कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ अंगूरी रसमलाई की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ, तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंगूरी रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 किलो दूध ले लिया है और इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने 2 कप चीनी में 3.5 कप पानी डाल के रख दिया है। इससे हम अपना शीरा तैयार करेंगे। और मैंने 1 लीटर दूध जो है वो अलग-अलग बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसको हमें इतना उबालना है कि वो अपनी क्वांटिटी का हाफ हो जाए। तो इससे जो 1.5 किलो दूध है इसे हम छेना बनाएंगे, जिसे हम अपने रसमलाई को तैयार करेंगे। तो इसमें जब उबाल आ जाएगा तो इसमें जो है फिर हम नींबू का रस डाल के इसका छेना तैयार कर लेंगे। तो अब ये तीनों चीजें हमारी पक रही है। अब इसमें उबाल आता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने लेमन को कैसे शामिल करके और इसका छेना किस तरीके से बनाना है। चीनी को मैंने पानी में डिसॉल्व होने तक इसको मैं हिला के अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। जब हमारी चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी तो इसको हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह उबाल के और फिर इसका चूल्हा हम जो है वो बिल्कुल लो आंच पर रख देंगे, धीमा कर देंगे। तो इसको जो है अच्छा सा मैं 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छा सा पका लेती हूँ। तो ये पकाने के बाद पका लेते हैं और अब जब दूध में उबाल आएगा तो फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। अच्छा सा उबल गया है तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और अब हम इसमें जो लेमन जूस में पानी मिला के मैंने रखा हुआ था उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते हैं। एकदम सारा नहीं करेंगे तो उसको थोड़ा थोड़ा सा शामिल करेंगे और अगर हमें लगेगा कि ये लेमन जूस इनफ नहीं है तो हम इसमें मजीद जो है और जूस इसमें लेमन का शामिल कर देंगे। तो अब इसमें ये लेमन जूस मैंने डाल दिया है, इसको अच्छा सा हिला लेते हैं। ये देख सकते हैं कि मुझे छेना बनाने के लिए 1.5 लेमन जूस का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो ये अब हमारा छेना जो है बन गया है। इसको अब हम जो है एक मलमल का कपड़ा कोई भी आप ले लें इस तरीके से छानी में, इसमें जो है हम इसको छान के और इसको ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लेंगे ताकि हमारा जो लेमन का रस का टेस्ट है वो टोटली इसमें से खत्म हो जाए। तो इसको मैं स्टेन कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह धो के और अब इसको मैंने ठंडे पानी से धो के और अच्छी तरह इसको निचोड़ लिया और इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से रख दूंगी ताकि इसमें से जो जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। तो इसको जो है हम 5 से 10 मिनट की एज इट इज ही छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इस छेने को हम इसमें डाल लेंगे। 1 टीस्पून मैदा मैं शामिल कर रही हूँ वो डाल के और हाथ से हम इसको खूब अच्छा मसल लेंगे और उस वक्त तक हम इसको मसलते रहेंगे जब तक कि ये चिकना ना हो जाए। तो इसको जो है अच्छे से यूं मिक्स करते जाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कितना आपने मसलना है। अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने इतना मसलना है कि इस तरह ये चिकना चिकना हो जाए। बस इतना ही हमने इसको, जब ये चिकना होने लगे तो बस इसको आप फिर मसलना बंद कर दें। और अब हम इसे, क्योंकि अंगूरी रसमलाई बना रहे हैं तो हम इसके अंगूर जैसे छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम थोड़ी छोटी छोटी सी इस तरीके से डो ले लेंगे इसकी और यूं हाथ से इसको मुलायम सा कर लेंगे कि इसमें कोई क्रैक ना हो। तो इस तरह हम छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लेंगे और फिर इससे मैं सारे बॉल्स बना के फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने बॉल्स जो है बना ली है। मैं अंगूरी रसमलाई बना रही हूँ इसलिए मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं। अब जो मैंने 2 कप चीनी में 3.5 कप पानी डाल के और ये शीरा सा बना के रखा हुआ था तो अब हम इसमें एक उबाल आने देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम पकते हुए शीरे में अपने जो ये है बॉल्स इनको जो है डाल देंगे और इसको हाई फ्लेम पे ही पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं हाई फ्लेम पे पकने दूंगी और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने 1 लीटर दूध को पकने के लिए रख दिया था और ये अच्छी तरह इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था मैंने अच्छी तरह पक के। अब ये
अपनी क्वांटिटी का हाफ हो गया, तो इसमें तकरीबन जो है मैं 1/3 से कम चीनी डाली है, क्योंकि हमने थोड़ा सा शीरा भी डालना है। और यहाँ पे आप मीठा जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा डालने, और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालने। और साथ में मैं डालूंगी इसमें इलायची का पाउडर, और इसको जो है हम अच्छा सा उस वक्त तक पका लेंगे कि जब तक ये चीनी जो है अच्छी सी इसमें डिजॉल्व हो जाए, और उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब इसको बस इतना ही मैं पकाऊंगी कि इसमें अच्छी तरह हमारी चीनी मिक्स हो जाए, और उसके बाद जो है इसको हम ठंडा कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो है रस मलाई बन रही है, तो फिर वो भी बनती है तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो गए मैंने इसको ढक के तेज आंच पे पकाते हुए, तो अब ये देख सकते हैं कि बॉल्स का जो साइज है वो भी डबल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें 1/4 जितना पानी को ऐड करके और इसको मजीद जो है 5 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि टोटल 10 मिनट लगे हैं और हमारे जो है रस मलाई बन के तैयार है। तो अब ये बन चुके हैं, तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसको जो है हम ठंडा होने देते हैं। तो इसको जो है बाउल में निकालते हैं और साथ में थोड़ा शीरा भी निकाल लेंगे, और इसको जो है रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, और अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूंगी और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और जो हमारा शीरा बच गया है इससे जो है हम चटनी या किसी और मिठाई में इसको हम यूज कर लेंगे। तो अब जो है ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हम अपने रसगुल्ले जो है उस बाउल में डाल लेंगे जिसमें हमने सर्व करना है, और ये देखिए कितने स्पॉन्ची और कितने ही मज़ेदार ये बने हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, तो बहुत शानदार बने हैं। अब इसको मैं इसमें डाल लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है, दूध भी हमारा जो पक के ठंडा हो चुका हुआ है, तो अब हम इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको अब मैं पिस्ता और बादाम से इसको गार्निश कर लेते हैं। बादाम से गार्निश इसको कर दिया है, और अब इसको आप फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 घंटे रख के और अच्छा सा इसको चिल करके फिर इसको सर्व कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।